सनातन भारत का मूल इतिहास भारत के बाहर अफगानिस्तान व पाकिस्तान में स्थित है। हमें अपने इस इतिहास के बारे बहुत कम जानकारी है। अपनी पिछली पोस्ट में हमने बामियान में बुद्धा के बारे में बताया था। इस पोस्ट में हम समांगम में स्थित बौद्ध स्तूप के बारे में जानेंगे। रुस्तम सोहराब की कहानियां तो सुनी ही होंगी। तख्ते रुस्तम, जिसका शाब्दिक अर्थ है रुस्तम का सिंहासन, जिसका नाम रुस्तम के नाम पर रखा गया है। फारसी पौराणिक कथाओं में रुस्तम एक राजा है जिसके नाम पर यह पहाड़ी इलाका है। यह समंगन शहर के दक्षिण पश्चिम में 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक बौद्ध स्तूप मठ परिसर का स्थान है जो पूरी तरह से पहाड़ की चट्टान में उकेरा गया है। इसका निर्माण काल कुशाण ससैनियन काल की 4वीं और 5वीं शताब्दियों के लिए अनुमानित है। थेरवाद बौद्ध धर्म की प्रमुख बौद्ध परंपरा के इस मठ में 5 कक्ष है। 2 अभयारण्य हैं और एक जटिल कमल के पत्ते के सौंदर्यीकरण के साथ एक गुंबददार छत है। बगल की पहाड़ी में स्तूप है जिसमें एक हरिका है जिसके आधार में कई गुफाएं हैं। गुफाओं में से एक के ऊपर 2 सम्मेलन हॉल के साथ वर्ग भवन है, एक 22 मीटर वर्ग है और दूसरा गोलाकार है। इन गुफाओं में से एक में पुरातात्विक उत्खनन से गजनवी के सिक्कों का खजाना प्राप्त हुआ है। इस्लामिक काल में बौद्ध काल के स्तूपों व मूर्तियों को बर्बाद कर दिया गया था। अफगानिस्तान की ऐसी अनेकों पहाड़ियों पर स्तूप व बौद्ध बस्तियां उत्खनित की गई है जिससे सनातन हिंदुस्तान की उत्कृष्टता व प्रभाव को समझा जा सकता है। अगले अंक में हम एक और महत्वपूर्ण बौद्ध बस्ती मीज़ाइनक के बारे में जानेंगे।